दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी कि इंटरनल सिक्योरिटी पे कुछ बात हो, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की और इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है होम मिनिस्ट्री की। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे होम मिनिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम मिनिस्ट्री के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाली वीडियो में बात की है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कामों को अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से एक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े सारे मैटर्स को देखना और देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और घरेलू शांति बनाए रखना, एमरजेंसी सिचुएशंस जैसे नेचुरल डिजास्टर में लोगों को रेस्क्यू करना। इसके अलावा इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है देश के इनएक्टिव बॉर्डर्स की सिक्योरिटी रखना और सेंटर स्टेट्स के रिलेशन से जुड़े इश्यूज को सुलझाना और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना भी इसी मिनिस्ट्री का काम होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। आज़ादी के बाद सन 1947 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को क्रिएट किया गया था, जिसके पॉलिटिकल हेड होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें हम होम मिनिस्टर या गृह मंत्री भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक सेक्रेटरी रैंक आईएएस ऑफिसर, जिन्हें हम होम सेक्रेटरी भी कहते हैं। हर मिनिस्ट्री की तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बड़े बड़े डिसीजन पे भी अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है या कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है, और बाकी सभी डिसीजन होम मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में दो हैं। इसके बाद होम मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें से कुछ हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईसीएफएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एट्सेट्रा। और इसके अंडर जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज आती हैं, उनमें से कुछ हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एट्सेट्रा। ये फोर्सेज अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्पजेज के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग, कैडर मैनेजमेंट एट्सेट्रा सभी कुछ यही मिनिस्ट्री देखती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी शिलोंग भी इसी के अंडर आती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस और फोर्सेस की हेल्प से होम मिनिस्ट्री हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करती है। इतने सारे वास्ट काम होने की वजह से होम मिनिस्ट्री को टोटल 6 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। अब एक एक करके इन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इस डिपार्टमेंट का काम होता है देश के तमाम बॉर्डर्स इंक्लूडिंग कोस्टल बॉर्डर्स, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ एक्टिव बॉर्डर्स को छोड़कर बाकी सभी सीमाओं को मैनेज करना, जैसे वहां की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना और बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एट्सेट्रा। नेक्स्ट बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ होम। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े पद जैसे देश के हेड यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एट्सेट्रा के अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन से जुड़े नोटिफिकेशन जारी करता है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का काम होता है देश में बर्थ्स और डेथ्स रजिस्टर करना और देश की पॉपुलेशन सेंसस जनरेट करना, यानी देश की आबादी की जनगणना करना। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इस डिपार्टमेंट का काम होता है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हैं उन सबसे डील करना, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती हैं। इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस और फोर्सेस की मदद से आतंकवाद, नक्सलिज्म, फॉरेन एजेंसीज की एक्टिविटीज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और विदेशी लोगों की घुसपैठ एट्सेट्रा को रोकना। इसके अलावा देश में वीजा देने से लेकर इमिग्रेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस,
एटसेट्रा से जुड़े मैटर्स को भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यही डिपार्टमेंट देखता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट का काम है नई नई बनी दो यूनियन टेरिटरीज JNK और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सारे मैटर्स को देखना, इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म। इनका काम होता है JNK में इंडियन पाकिस्तान की LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को मैनेज करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कोऑर्डिनेट करना। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट JNK और लद्दाख में डेवलपमेंट एंड वेलफेयर से रिलेटेड काम कर रही मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। इस डिपार्टमेंट का काम होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड दिए गए प्रोविजंस और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के प्रोविजंस को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के काम को देखना। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। इस डिपार्टमेंट का काम होता है सेंटर, स्टेट्स और इंटर स्टेट रिलेशन से जुड़े इश्यूज से डील करना कि सभी के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे। और उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स एटसेट्रा से जुड़े मुद्दों को देखना। तो ये हैं होम मिनिस्ट्री के 6 डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट में जरूरत के अनुसार विंग्स और डिविजन्स होते हैं और ये फर्दर ब्रांचेस और सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इनके फंक्शंस इंटरलिंक्ड होते हैं और सभी होम सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं जो होम मिनिस्टर के सुपरविजन में होते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के अलग से भी सेक्रेटरी अपॉइंटेड होते हैं जो उन डिपार्टमेंट्स के वास्ट काम संभालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।